जब उसको टांग में गोली लगी थी तब वो लोगों को कहता कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तकलीफ नहीं पहुंच रहा, लोगों को ये नहीं कह रहे कि मुझे तकलीफ हुई है। ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? ऐ मेरे देश के लोगों, शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते? न्यूज टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट। आज सब मौजूद हूं वंडर हाउस में। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खिलाड़ी हैं खान साहब की मोहब्बत में, खान साहब के लिए यहाँ पे मौजूद थे कि वो अभी भी आजादी मार्च के लिए लोग सरगोशा हैं, चाहते हैं कि खान साहब जल्दी रिकवर हो और आजादी मार्च दोबारा जो है डबा दबा हो और खान जो है हकूक लेके हमारी आवाम के लिए आए और जो है हमारे लिए इंसाफ की आवाज बुलंद करे। मेरे तीन शहजादे यहाँ पे मौजूद है, आपने अक्सर हमेशा इनको देखा होगा। ये बच्चे जो है सियासत दवा से ही बड़े हैं, इनके जो जवाब बात होते हैं अच्छे भले बंदे को खुला देते हैं। आज मैं इनसे पूछूंगा ये तीनों यहाँ पे किस लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे किस लिए आए पहले आप बताओ भाई। हम इधर इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं। खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हो? आप भी सपोर्ट करने के लिए आए हो? हाँ जी, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, इन्होंने हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया, इमरान खान को गोली मारी है, इमरान खान पर जुल्म किया, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग मार्च में शामिल होंगे जुमेरात को, इमरान खान भी लोग मार्च। जब आपने न्यूज सुनी कि इमरान खान साहब पे अटैक हुआ है फायर हुआ, तब आपकी क्या हालत, क्या फीलिंग? ये इमरान खान की टांग पे गोली लगी, ये हमारे सीना में गोली लगी है। यानी कि अब आप कुछ जो सियासी रहनुमा वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब वो जान के ऐसी मार्च कर रहे हैं ताकि आवाम को तकलीफ पहुंचे, तो आप यहाँ पे आ जाए अपनी खुशी से आए हो? नहीं कहा, जब उसको टांग पे गोली लगी थी तब वो लोगों को कहता कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तकलीफ नहीं पहुंच रहा, लोगों को ये नहीं कह रहे कि मुझे तकलीफ हुई है। तो आप जो वो सियासतदान जो गंदे सियासतदान है वो इमरान खान पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, कोई गोली शोली नहीं लगी, उनको आप क्या जवाब दोगे? क्यों नहीं लगी? लगी है, ये लोग अंधे हैं, जिन लोगों को नजर नहीं आता कि इमरान खान को गोली नहीं लगी। कितने में लगी हमारे गोली बताओ? अरे हमारे सिर पर गोली लगी है। आप ये बताओ इमरान खान साहब अब जल्दी रिकवर होकर दोबारा आजादी मार्च करेंगे वो? हाँ जी, इमरान खान जुमेरात को इमरान खान कह के वो लॉन्ग मार्च करेंगे। इमरान खान हमारी एक ही आजादी के लिए जंग लड़ रहा है, वो अपने लिए जंग नहीं लड़ रहा, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमें उसका साथ देना चाहिए, हमें लॉन्ग मार्च में शामिल होना चाहिए। आप बताओ क्या कहोगे? इमरान खान ने कहा था मेरी जान इतनी जरूरी नहीं है जितनी आप लोगों की आजादी जरूरी है, इमरान खान ने हमारी आजादी के लिए अपनी जान दे सकता है, तो क्या आप उसके लिए अपनी जान नहीं दे सकते? वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। नाज़रीन आप इन बच्चों का जज्बा देखें कि माशाल्लाह ये बच्चे 5-7 इंटरव्यू हो चुके हैं लेकिन इनकी मोहब्बत खान साहब से इतनी है कि गला खराब होने के बावजूद वो खान साहब को दिलो जान से जो है वो उनको जो उनकी वो रिस्पेक्ट उनके हक में बोल रहे हैं। कुछ बताओ और यार, इमरान खान ने कहा था एक तरफ मौत हो और एक तरफ गुलामी हो, मैं गुलामी कभी कबूल नहीं करूंगा, मैं मौत कबूल कर लूंगा। यार बाकी हमने जितने भी सियासतदान देखे हैं जब वो कंटेनर पे चढ़ते हैं वो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर होते हैं, इमरान खान साहब को इतनी अपनी जान की फिक्र ही नहीं है यार कि वो वैसे कर रहे हैं। उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है, वो हमारी आजादी के लिए अपनी जान दे सकता है तो हम उसके लिए बाहर निकलेंगे। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला मौत देने वाला है और ये बुलेट प्रूफ शीशे लगा रहे हैं। इमरान खान को जाग नहीं आता, इमरान खान को पता मौत देनी है तो अल्लाह ताला ने देनी है। आपने इमरान खान साहब की न्यूज सुनी उनका फायर हुआ तब आपकी क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्या फील हुआ आपको? मैं वहाँ पे गया था, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मुझे लगा इमरान खान शायद शहीद हो गया, तो इस वजह से मैं रोया उधर, तो फिर मुझे इमरान खान बच गया, मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, लेकिन इमरान खान को इन लोगों ने गोलियां मारी है। इन लोगों को ये लोग जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को गोली नहीं बची, पीडीएम कह रही है इमरान खान को गोली नहीं बची, इन लोग आप लोग मानते हो? आप लोगों को नजर नहीं आता जिस काम के बच्चे ना हो खुद्दार हुनरमंद, जिस काम के बच्चे ना हो खुद्दार हुनरमंद, उस काम से तारीख के मेहमान ना मांगो। अच्छा ये कुछ चैनल ऐसे हैं कि इमरान खान पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ सुनाओ, क्या सुनाओगे? ये चैनल भी बिके हुए हैं, इन्होंने पूरा मुल्क लूट लिया, लेकिन अवाम इनको छोड़ेगी नहीं, हम हक सच में खड़े हैं, हम इमरान खान का साथ देंगे। जो दो भाई इमरान खान प्रोटेस्ट के लिए ट्रायल करता है,
जो लोग बाहर नहीं निकलते उनके लिए मेरा पैगाम है, मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते, ये जागीरों के मालिक लुटेरा क्यों उछले तुमने, ये जागीरों के मालिक लुटेरा क्यों उछले तुमने, तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, तुम फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। अच्छा उन दो भाइयों को क्या पैगाम दोगे जिन्होंने पूरा मुल्क लूट के खा लिया है, पूरा मुल्क लूट के, हम तीन भाई मिलकर एक साथ है और तुम दो भाई मिलकर पूरा मुल्क जो तुम्हारे पाप का मुल्क वाशी हुआ। क्या बात है, आखिर में इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे आप? इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं है, पूरी कौम आपके साथ है। आप बताइए आप क्या मैसेज देंगे इमरान खान को? इमरान खान साहब पूरी कौम आपके साथ है, आप में घबराना नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, इंपॉर्टेंट हुकूमत। अच्छा जी जो ये इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान को इमरान खान को जब टांग में बुलेट लगी और वो कंधे से बाहर आया तो उनके चेहरे पे तो मुस्कुराहट थी, तो आपको क्या लगा जो लोग बहादुर होते हैं वो ऐसे मुस्कुराते हैं? इन्होंने काम को फील नहीं कराया कि मुझे गोली लगी है, वो मुस्कुरा के उन्होंने ऐसे किया और गाड़ी के अंदर चले गए। तो बाकी जो आप जो आजादी मार्च होगी दोबारा, आपको क्या लगता है लोग ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? आप ज्यादा आएंगे। आपको डर तो नहीं लगा जब लोग लगे? नहीं, अभी भी आप जाओगे आजादी मार्च में? जाएंगे। उन लोगों को पैगाम दो जो कहते हैं मार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, उन लोगों को पैगाम दो जो कहते हैं आजादी मार्च में नहीं जाना चाहिए, हाँ लोगों को बगावत कर रहे हैं, उनको क्या पैगाम दोगे? जाएंगे हम जरूर जाएंगे, जितना मसीह रोक लो ये लोग हम जरूर जाएंगे। बताओ आप बताओ, मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते, ये जागीरों के मालिक तेरे क्यों से दूरे, तेरे ऊपर तेरे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? नाजी जब ऐसा जज्बा होगा खान साहब के साथ, ऐसी मोहब्बत होगी तो खान साहब क्यों नहीं वहां पे लड़ेंगे? यही जज्बा चाहिए खान साहब को, खान साहब को पता है तो अपने यही नेशन के लिए जो है कुछ ना कुछ करेंगे। अपने इस मेजबान को इजाजत दे दिया, अल्लाह हाफिज़।